श्रद्धा मर्डर मामले की जांच कर रही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ पुलिस का केस मजबूत हो गया है। मेहरौली के जंगल से पुलिस ने जो हड्डियां बरामद की थी वो श्रद्धा की ही निकली। श्रद्धा के पिता के डीएनए से इनका मिलान किया गया था। साथ ही आफताब के फ्लैट में जो खून के धब्बे मिले थे वो भी श्रद्धा के डीएनए से मैच कर लिए गए। देश को हिलाकर रख देने वाले श्रद्धा वालकर हत्याकांड में ये सवाल उठ रहे थे कि 6 महीने बाद कितने सबूत बचे होंगे जिन्हें पुलिस अदालत में पेश कर पाएगी। हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला ने पुलिस के सामने श्रद्धा के 35 टुकड़े करने और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात कबूली थी, पर जब तक सबूत न मिल जाए केस कमजोर होता है। फिलहाल सबूतों के मामले में पुलिस के हाथ मजबूत होते दिख रहे हैं। आफताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने हड्डियों के जो टुकड़े मेहरौली के जंगल से, मैदानगढ़ी के तालाब से और गुरुग्राम से बरामद किए थे उनका डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हो गया है। दिल्ली पुलिस को सीएफएसएल की डीएनए रिपोर्ट मिल चुकी है। पुलिस को आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिली है। लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। आफताब ने सबसे पहले दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कबूल किया था कि उसने 18 मई को श्रद्धा की हत्या की थी। महाराष्ट्र के वसई की श्रद्धा वालकर अपने लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला के साथ दिल्ली में रहने आई थी। 18 मई के बाद से अचानक जब उसने दोस्तों के फोन का जवाब देना बंद कर दिया तो दोस्तों ने श्रद्धा के पिता को बताया और श्रद्धा के पिता पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे। तब जाकर श्रद्धा के कत्ल का खुलासा हुआ। कत्ल के दिन श्रद्धा ने जो कपड़े पहने हुए थे उनमें से भी कुछ बरामद कर लिए गए हैं। ये कपड़े जंगल से मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। ये डीएनए रिपोर्ट श्रद्धा से मैच कर गए हैं। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हड्डियां दिल्ली पुलिस ने सीएफएसएल जांच के लिए भेजी थी उन्हें पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर ही बरामद किया था, और जो खून के कतरे आफताब के किराए के फ्लैट से मिले थे वो भी श्रद्धा से मैच कर गए। ये अब तक का इस केस में सबसे बड़ा सबूत है। और दिल्ली पुलिस अब ये मान के चल रही है कि अब तक की जो जांच थी वो भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इस केस में पुलिस को 3 रिपोर्ट्स का इंतजार था, जिनमें से 2 रिपोर्ट डीएनए और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। आफताब के छतरपुर स्थित किराए के फ्लैट में किचन, बाथरूम और बेडरूम से जो खून के धब्बे मिले थे वो भी श्रद्धा के डीएनए से मैच कर गए हैं। आफताब पूनावाला इस समय तिहाड़ जेल में है। अगर जरूरत होगी तो पुलिस कोर्ट की अनुमति लेकर आफताब से फिर पूछताछ कर सकती है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस छतरपुर स्थित आफताब के फ्लैट पर भी पहुंची। इस वक्त मेरी मौजूदगी आफताब पूनावाला के घर के नीचे है, जहां पर पुलिस की एक टीम मौजूद है। यहां पर लगातार एविडेंसेस को, यानी कि सबूतों को इकट्ठा करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। कहा जा रहा था कि साइंटिफिक एविडेंस जो है वो पुलिस ले रही है, और यहां पर फिलहाल यही सब कोशिश है कि किस तरह से और भी ज्यादा मामले को जो है कोर्ट ऑफ लॉ में किस तरह से जो साबित है वो किया जा सकता है। जिस तरह से जो हड्डियां यहां से मेहरौली के जंगलों से बरामद हुई थी, उसके अलावा यहां पर जो बाथरूम था उसके बीच में जो खून के दाग थे टाइल्स के बीच से फंसे हुए उन्हें बरामद किया गया था, और जो जबड़ा था श्रद्धा के सिर का वो इन तीनों ही चीजों को श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच किया गया। पुलिस के मुताबिक जब उन्हें सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी और उनकी स्टडी के बाद अगर उनके मन में कोई शंका या सवाल आता है तो पुलिस एक्सपर्ट्स को वापस भेजकर जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। श्रद्धा वालकर के परिवार और दोस्तों को भी उम्मीद है कि डीएनए मैच के बाद आफताब पूनावाला को फांसी की सजा जरूर मिलेगी। अभी देखते हैं दिल्ली जाके हम लोग से क्या बात करेंगे और कैसे, लेकिन हम लोग को पूरा भरोसा है उन लोग पे कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर इस केस में 2 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली से अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।